हेलो एवरीवन, दिस इज दीपाली गर्ल। वेलकम बैक टू माय चैनल डीजी पाठशाला। गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज बताने वाली हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज बताई थी। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी है गाइस, उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है, दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की, दैट इज नॉन वोलेटाइल नेचर। गाइस, जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, तो ये इजिली वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये नॉन वोलेटाइल एसिड होता है, तो ऑब्वियसली नॉन वोलेटाइल नेचर होता है इसका। ये जो होता है ये वोलेटाइल एसिड को प्रिपेयर करने में यूज किया जाता है। वोलेटाइल एसिड जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, तो जो भी वोलेटाइल एसिड होते हैं उनको प्रिपेयर करने में सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है। तो गाइस देखिए, जो सॉल्ट होते हैं वोलेटाइल एसिड्स के, उसके साथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है और वोलेटाइल एसिड फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने सॉल्ट लिए हैं, दैट इज सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट एंड सोडियम एसीटेट। गाइस, ये सभी सॉल्ट है वोलेटाइल एसिड के, जब ये रिएक्ट कर रहे हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की ही पढ़ेंगे, तो जो भी हम सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे वो कंसंट्रेटेड होगा। तो जब ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है गाइस, यहाँ पे डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, जो आयंस है वो एक्सचेंज होंगे। तो देखिए, यहाँ पे फॉर्म हो गया सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम, और यहाँ पे जो सल्फेट था और एक एच था वो इसके साथ आ गया, तो सोडियम बाइसल्फेट फॉर्म हो गया। सेम पोटेशियम बाइसल्फेट फॉर्म हो गया, सोडियम बाइसल्फेट, पोटेशियम बाइसल्फेट एंड सोडियम बाइसल्फेट, और साथ में एसिड फॉर्म हो रहे हैं, दैट इज वोलेटाइल एसिड। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। गाइस, ये सभी एसिड कैसे हैं? वोलेटाइल एसिड। तो याद रखिए कि जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है, ये वोलेटाइल एसिड को प्रिपेयर करने में यूज किया जाता है। क्लियर गाइस? रिएक्शन बैलेंस करके लिखेंगे, यहाँ पे सारी रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, तो ये चीज याद रखिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है, दैट इज ड्यू टू ऑन थर्मल डीकम्पोजिशन इट यील्ड्स नेसेंट ऑक्सीजन। गाइस, जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का थर्मल डीकम्पोजिशन होता है, थर्मल डीकम्पोजिशन मतलब जब उसको हीट करते हैं तो वो टूटता है, तो हीट करने पर जब वो ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्म होता है। तो देखिए, दिस इज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जब इसका थर्मल डीकम्पोजिशन हो रहा है तो वाटर फॉर्म हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो रही है, साथ में यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा है। तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्म होता है इसी की वजह से सल्फ्यूरिक एसिड की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है। तो ये चीज याद रखिएगा, जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है वो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की होती है, डाइल्यूट की नहीं होती है। ये चीज है याद रखनी है, क्योंकि गाइस इसी पर ही क्वेश्चन बन जाता है कि जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है वो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की होती है या डाइल्यूट की होती है। तो ऐसे ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं आप लोगों को याद रखने हैं। क्लियर? तो जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मेटल्स हो गए, नॉन मेटल्स हो गए, उनको ये क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज कर देता है। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हम नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ पे मैंने दो नॉन मेटल लिए हैं, कार्बन एंड सल्फर। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, दिस इज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये यहाँ पे कार्बन और सल्फर को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। तो देखिए, जब ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रही है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रही है।
तो यहाँ पे जो कार्बन था उसको इसने क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हो गया, तो ऑक्सीजन जब ये यहाँ पे ऐड हो गया तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। सेम यहाँ पे सल्फर अकेला था और यहाँ पे सल्फर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, दैट मीन्स ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, है ना। तो गाइस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हुई, वाटर फॉर्म हुआ एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी लिबरेट हो रही है। गाइस इस केस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रही है और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, क्लियर। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है इसमें कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है, क्लियर। फिर बात करते हैं मेटल्स की, तो ये मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। तो यहाँ पर मैंने दो मेटल लिए हैं, कॉपर एंड जिंक। कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब ये रिएक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हो आप कॉपर अकेला है और यहाँ पे फॉर्म हो रहा है कॉपर सल्फेट। दैट मींस गाइस यहाँ पे कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं था बट यहाँ पे कॉपर के पास ऑक्सीजन आ गया, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जो कॉपर है वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। सेम जिंक है और यहाँ पे जिंक सल्फेट फॉर्म हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो यहाँ पे जिंक भी क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। देन साथ में दोनों में ही वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो रही है, क्लियर। तो गाइस अगेन यहाँ पे जो कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर एक्ट कर रहा है। गाइस दोनों ही केस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो रही है और गाइस ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी एक्ट करती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी एक्ट करती है। याद रखिएगा कि जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी एक्ट करती है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी। तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको एक ऐसी रिएक्शन लिखनी है जिसमें गैस लिबरेट हो रही हो जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है, तो दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। या फिर डायरेक्ट पूछ सकते हैं दैट नेम द गैस व्हिच एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस, क्लियर। गाइस रिएक्शन लिखेंगे तो हमेशा बैलेंस करके लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी आता है राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन, तो बैलेंस करके लिखेगा। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस करके रिएक्शन लिखी है, क्लियर। गाइस ये तो हो गई दो प्रॉपर्टी, बाकी की प्रॉपर्टी भी देखते हैं कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की, बट उससे पहले इसको नोट कर लीजिए। गाइस जो लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की, दैट इज एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। गाइस जो कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। अब बात आती है कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन से होते हैं, तो गाइस डिहाइड्रेटिंग एजेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी और सब्सटेंस में वाटर से वाटर को रिमूव करवा देते हैं। अब मान के चलिए कोई सब्सटेंस है उसमें वाटर केमिकली कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उस सब्सटेंस में से जो वाटर को रिमूव करवाते हैं सब्सटेंस, दैट इज नोन एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब देखिए गाइस दो टाइप के एजेंट होते हैं, फर्स्ट इज ड्राइंग एजेंट एंड सेकंड इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। दोनों ही अलग अलग होते हैं, ड्राइंग एजेंट अलग होते हैं और डिहाइड्रेटिंग एजेंट अलग होते हैं। अब दोनों में फर्क क्या होता है, तो गाइस ड्राइंग एजेंट का मतलब होता है कि वो सब्सटेंस जो अगेन वाटर को रिमूव करवा रहे हैं किसी और सब्सटेंस में से, बट उस केस में जो वाटर होता है वो केमिकली कंबाइंड फॉर्म में नहीं होता। कैसे, तो देखिए गाइस मान के चलिए कि मॉइस्ट HCl गैस है। कैसी है, मॉइस्ट HCl गैस है। तो गाइस अगर मॉइस्ट HCl गैस है तो इसमें HCl के मॉलिक्यूल अलग होंगे और वाटर के मॉलिक्यूल अलग होंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों आपस में केमिकली कंबाइंड फॉर्म में होंगे, ऐसा नहीं होगा, है ना। HCl के मॉलिक्यूल अलग होंगे और वाटर के मॉलिक्यूल अलग प्रेजेंट होंगे। तो अब मॉइस्ट HCl में से अगर कोई सब्सटेंस वाटर को रिमूव करवा रहा है और उसको ड्राई बना रहा है, मान के चलिए इसमें से वाटर को रिमूव करवाया और ड्राई HCl में फॉर्म हो गई है, तो जो सब्सटेंस मॉइस्ट HCl में से वाटर को रिमूव करवा रहा है तो वो सब्सटेंस कौन सा होगा, ड्राइंग एजेंट होगा। क्या होगा वो, ड्राइंग एजेंट। तो ड्राइंग एजेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी और सब्सटेंस में से वाटर को रिमूव करवाते हैं, बट उस केस में जो वाटर प्रेजेंट होता है उस सब्सटेंस में वो कंबाइंड फॉर्म में नहीं होता, केमिकली कंबाइंड फॉर्म में नहीं होता। अब बात आती है डिहाइड्रेटिंग एजेंट की, तो गाइस डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या होता है वो समझेगा। गाइस मान के चलिए कि हम यहाँ पे ग्लूकोज का एग्जाम्पल ले रहे हैं।
अब इस ग्लूकोज के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है वो केमिकली कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है। देखिए हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर ही वाटर बनता है, आप लोगों को पता है। तो अब इसमें जो वाटर प्रेजेंट है वो केमिकली कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है, अलग से प्रेजेंट नहीं है, इसके साथ केमिकली कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो अब इसमें से अगर कोई सब्सटेंस वाटर को रिमूव कर रहा है तो दैट इज नोन एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट वो होते हैं जो सब्सटेंस में से वाटर को रिमूव करवाते हैं, जिस केस में जो वाटर होता है वो केमिकली कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है सब्सटेंस में। क्लियर? तो ये डिफरेंस होता है ड्राइंग एजेंट और डिहाइड्रेटिंग एजेंट में। तो गाइस जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो ड्राइंग एजेंट भी होता है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है, मतलब अगर किसी सब्सटेंस में वाटर अलग से प्रेजेंट है तो उसको भी वो रिमूव कर देता है, और अगर कंबाइंड फॉर्म में भी अगर वाटर प्रेजेंट है किसी सब्सटेंस में तो उसमें से भी ये वाटर को रिमूव करवा देता है। अब क्यों करवा देता है? क्योंकि गाइस जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है हैज अ ग्रेट एफिनिटी फॉर वाटर। जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसकी ग्रेट एफिनिटी होती है वाटर के लिए है। ग्रेट एफिनिटी का मतलब होता है कि ये रेडली रिमूव कर देता है एलिमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अदर कंपाउंड्स, किसी और कंपाउंड्स में से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको ये रिमूव करवा देता है। तो ये चीज याद रखिएगा कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्यों होता है? बिकॉज इट हैज ग्रेट एफिनिटी फॉर वाटर। इसका मतलब कि ये किसी कंपाउंड में से वाटर को रिमूव करवा देता है। अगर वाटर केमिकली कंबाइंड फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है तो भी ये वाटर को रिमूव कर देता है। अब इस एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ले लिया है C6H12O6। अब जब ये रिएक्ट कर रहा है इसमें हमने कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के कॉन्टैक्ट में रखा है, इसमें कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया, तो गाइस यहाँ पे क्या होगा कि जो कार्बन होगा वो अलग हो जाएगा और यहाँ पे जो स्टीम प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे वाटर वेपर्स प्रोड्यूस होंगे, तो यहाँ पे जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो इसमें से क्या हो गया, अलग हो गया। अब आप देख सकते हो ग्लूकोज में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो यहाँ पे कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ने क्या करा, कार्बन को अलग कर दिया और वाटर को रिमूव कर दिया इसमें से। तो अब यहाँ पे जो वाटर था वो केमिकली कंबाइंड फॉर्म में था, है ना, अलग से नहीं था, केमिकली कंबाइंड फॉर्म में था, तो उसमें से भी ये वाटर को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। तो यहाँ पे जो कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है ये एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट एक्ट कर रहा है। ड्राइंग एजेंट की बात नहीं कर रहे हम, यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो गाइस यहाँ पे कार्बन फॉर्म हो गया, ये कैसे कलर का होता है, ऑब्वियसली ब्लैक कलर का, है ना, ब्लैक कलर का स्पॉन्जी मास फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कार्बन अलग हो गया और स्टीम प्रोड्यूस होगी, तो ऑब्वियसली जो स्टीम प्रोड्यूस होती हो रही है दैट इज वाटर वेपर्स। सेम गाइस यहाँ पे केन शुगर ले लिया है, केन शुगर इज C12H22O11। अगेन इसमें कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करा तो अगेन यहाँ पे शुगर चारकोल फॉर्म हो गया, जो कि अगेन कैसे कलर का होता है, ब्लैक कलर का स्पॉन्जी मास होता है। तो ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस अलग रह गया और स्टीम प्रोड्यूस हो रही है, तो ऑब्वियसली जो वाटर वेपर्स है वो अलग हो गए, है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है इसने क्या करा, ग्लूकोज एज वेल एज केन शुगर में से कार्बन को अलग कर दिया, जो कि ब्लैक कलर का एक स्पॉन्जी मास फॉर्म हो गया और जो वाटर वेपर्स है वो अलग हो गए, है ना। अब गाइस लास्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। गाइस हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का मतलब है कि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो इसके साथ कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है, केमिकली कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है। और गाइस इसका जो कलर होता है वो होता है ब्लू कलर का। ये कैसे कलर का होता है, ब्लू कलर का। अब इसमें कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जब मिलाया तो गाइस यहाँ पे क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में। गाइस एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का मतलब है कि यहाँ पे जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट था ये यहाँ पे क्या हो गया, रिमूव हो गया, तो वाटर यहाँ पे अलग हो गया। गाइस ये जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट होता है ये व्हाइट कलर का होता है। कैसे कलर का होता है, व्हाइट कलर का सॉलिड होता है। गाइस इन तीनों ही केस में जो कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये चीज याद रखिएगा। अगर ड्राइंग एजेंट की बात कर रहे हैं या फिर डिहाइड्रेटिंग एजेंट की बात कर रहे हैं तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं
नहीं करते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बस ये यहाँ पे क्या कर रहा है, जो वाटर प्रेजेंट है इनमें केमिकली कंबाइंड फॉर्म में उसको ये रिमूव करवा रहा है बस, है ना। तो गाइस यहाँ पे जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है कंबाइंड फॉर्म में, इसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का। अब इसमें जब कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करा तो हम देखेंगे कि इसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो कलर चेंज होके कैसा कलर हो जाएगा इसका, व्हाइट कलर। तो व्हाइट कलर का ये क्या फॉर्म हो गया, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। याद देखिए एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट मतलब जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं है, वाटर क्या हो गया यहाँ पे, अलग हो गया। तो गाइस यहाँ पे ना ऑब्जर्वेशन पूछी जाती है, जो क्वेश्चन आता है इस पे बेस्ड रिएक्शन भी पूछी जाती है, साथ में ऑब्जर्वेशन पूछी जाती है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो ब्लू कलर का हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है जब इसमें कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये व्हाइट कलर के एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब गाइस ये जो व्हाइट कलर का एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है जब इसमें वाटर को ऐड कर देंगे, इसमें हमने मान के चलिए वाटर मिला दिया, तो अगेन ये ब्लू कलर के हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसमें वाटर मिला देंगे तो वाटर आ जाएगा इसमें, तो ये कैसे कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। अगर इसमें वाटर ऐड कर दिया तो अगेन इसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा और ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर। तो गाइस यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है इससे रिलेटेड वो ऑब्जर्वेशन वाला बनता है, तो कलर याद रखिएगा ब्लू कलर एंड व्हाइट कलर, अगेन वाटर मिला देंगे तो व्हाइट से ये दोबारा कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा, क्लियर। तो गाइस ये हो गई लास्ट प्रॉपर्टी, तो याद रखिएगा रिएक्शन, याद रखिएगा रिएक्शन लिखेंगे तो हमेशा बैलेंस करके लिखिएगा, क्लियर। तो गाइस इसको नोट कर लीजिए, गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अपकमिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ, और हाँ मेरे साथ बायोकेमिस्ट्री पढ़ते रहो ना, एंड बी सेफ फ्रॉम कोरोना।